गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। गुजरात में चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस से जीत का दम भरा है। गुजरात के पार्टी प्रभारी रघु शर्मा ने गुजरात में चुनावी मुद्दे गिनाए। रघु शर्मा ने आम आदमी पार्टी की चुनौती को नकार दिया और बीजेपी पर निशाना साधा। गुजरात में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है और कांग्रेस जीत का दम भर रही है। गुजरात के बड़े चुनावी मुकाबले की चुनावी तारीखें अनाउंस हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने इन तारीखों का ऐलान कर दिया है। दो चरणों में मतदान होगा और जो नजरें हैं जो इस मुकाबले पर, वो सबसे बड़ी नजरें हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबले में बदल रहा है। कांग्रेस के गुजरात मामलों के प्रभारी रघु शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। रघु जी, पहले तो यही जानेंगे, जो दो चरणों में मतदान का ऐलान हुआ है, पार्टी ने जो ग्राउंड पर तैयारी की है, कितने आश्वस्त हैं आप इस मुकाबले को, तस्वीर को बदलने के लिए? बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है, वहाँ लंबे समय से सत्ता में होने का मतलब ये नहीं कि वो रिपीट हो जाएंगे। आपके खिलाफ जो मुद्दे हैं, पब्लिक का जो मूड है, वो बीजेपी के खिलाफ है इस वक्त। महंगाई की मार झेल रही पब्लिक, बेरोजगारी की मार झेल रहे नौजवान, वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये मोरबी की दुर्घटना हुई, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। प्रधानमंत्री जी ने 2016 में क्या बोला था, वो रिकॉर्ड पूरे गुजरात के अंदर घूम रहा है। ऐसा कैसा हादसा 2016 में बंगाल में हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और भगवान ने ऐसे समय पे इस पुल को गिराया है, वहाँ 16 में बोला उन्होंने। जब चुनाव हो रहे हैं ताकि सच्चाई सामने हो कि कैसी सरकार चला रहे हो आप, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं खुद, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए कई बार क्या होता है, कहीं दूसरी जगह कही हुई बात वो दूसरी जगह एप्लीकेबल हो जाती है ऑटोमेटिक। गुजरात के अंदर आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कर्जा गुजरात के ऊपर बढ़ गया है, पब्लिक सेक्टर के हेल्थ और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नदारद है, वहाँ सड़कों की हालत खस्ता है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग का सेंटर बन चुका है गुजरात। कौन जिम्मेदार है इन चीजों के लिए? लेकिन गुजरात में ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर कि उसने मुकाबला खुला छोड़ दिया है, बदली हुई रणनीति है या फिर इसके पीछे मजबूरी है? ये दुष्प्रचार है और इसका जवाब मिलेगा 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे। जब लोकतंत्र में किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार है और ये परसेप्शन की राजनीति कई बार काम आती नहीं है। परसेप्शन का एक लिमिटेड रोल है, सच्चाई है ग्रास रूटेड पॉलिटिक्स। आपका कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, बूथ का मैनेजमेंट कर रहा है, चुनाव लड़ने के लिए अच्छे उम्मीदवार ढूंढ रहा है, सारी चीजें हैं। एक ही फैक्टर काम नहीं आता परसेप्शन का, कि आप टीवी में ऐड दे दोगे, अखबारों में ऐड दे दोगे, रेडियो में, एफएम रेडियो में दे देंगे, आउटडोर कैंपेन कर लोगे, उससे परसेप्शन बन सकता है। धरातल की राजनीति कुछ अलग कहती है। आम आदमी पार्टी की एंट्री इस चुनावी मुकाबले में और अति सक्रियता कहीं ना कहीं कांग्रेस को, उसके वोट बैंक को उसमें सेध लगा सकती है। हमने पिछले मुकाबले में देखा है पंजाब में आपको नुकसान उठाना पड़ा। आम आदमी पार्टी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है गुजरात में, ये कहा जा रहा है। पंजाब में वो प्रमुख विपक्षी दल थे, यहाँ पे उनका एक भी एमएलए नहीं है। हमारे 80 एमएलए जीते थे, हमारे आज भी 64 एमएलए हैं। हमारा वजूद, हमारा पार्टी का ढांचा है और हमारा 5 साल विरोध करने का काम है। बीजेपी सरकार के फेल्यूअर्स के ऊपर हम ही बोलते हैं, ये चुनाव में आए हैं, पब्लिक जानती है, इसलिए इस पर कुछ बात करने की कोई मतलब नहीं है। जब जब गुजरात चुनाव का जिक्र होता है, गुजरात मॉडल का जिक्र होता है, और ऐसे में कांग्रेस का मॉडल कहाँ टिकता है, ये बड़े सवाल है। कौन सा कांग्रेस का मॉडल और गुजरात का कौन सा मॉडल? विकास का मॉडल वो कहते हैं, डबल इंजन सरकार का मॉडल है उनके पास, विकास का एजेंडा है। एक इंजन तो कोविड में फेल हो गया जो वहीं अटका हुआ है, ये दिल्ली का इंजन उसको धक्का देने जाता बार बार, तो वो लोग समझ चुके हैं कि गुजरात का इंजन बेकार हो चुका, तो उसको दिल्ली का इंजन कब तक धक्का देगा भाई। कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत का अनुमान लगा रही है इस चुनावी मुकाबले में, क्या टारगेट फिक्स किया आपने? 125 प्लस सीट जीत के सरकार बनाएंगे। और मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है, इस फेस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये परंपरा रही नहीं कांग्रेस की, जहां हम विपक्ष में होते हैं वहां हमने कभी चेहरा सामने लाके चुनाव नहीं लड़ा। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद ही तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, या आंकड़े अगर आपके पक्ष में आते हैं? बिल्कुल। और मुद्दों की बात करें, जो मुद्दे गिना रहे हैं आप और जिन मुद्दों चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या जो ध्रुवीकरण जो कहा जाता है, क्योंकि सिविल कॉमन कोड आ गया है,
यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, उसकी कमेटी बनाई गई है, इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे देखने को मिले हैं, आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? लोगों को पेट में रोटी चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए। ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं ना, उनसे तंग आ चुकी है देश की जनता। ये अनफ इज अनफ है, इस स्टेज पे है अभी, इसलिए ये तो बहुत आसान रास्ता है राजनीति में। 27 साल जो पार्टी सत्ता में हो, उसको उपलब्धियों पे चुनाव लड़ने से कोई रोक रहा है क्या? बताओ ना लोगों को अचीवमेंट क्या है आपने? ये बार बार पोलराइजेशन की बात क्यों करते हैं? मतलब एक 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 व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाओ, यही चुनाव का एजेंडा रह गया है इस देश में। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। धन्यवाद बात करने के लिए। रघु शर्मा जो कि गुजरात मामलों के कांग्रेस प्रभारी हैं, वो इस चुनावी मुकाबले की तारीख तय होते ही अपना दावा कर रहे हैं, 125 प्लस सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।